मेरा दारुल इस्तेहाल हिम्मत से ये सवाल है कि अगर कोई नामी भाई फर्ज नमाज जमात के साथ इशा की ना पढ़े और वितर जमात के साथ पढ़ सकता है। फर्ज नमाज रमजान शरीफ में जैसा होता है कि वितर जमात के साथ होते हैं, लेकिन अगर फर्ज जमात के साथ नहीं पढ़े, इमाम साहब के साथ शरीक ना हुए, तो वितर जमात के साथ पढ़ सकते हैं? नहीं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इससे मना फरमाया कि जिसने फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़े तो फिर वो वितर भी जमात के साथ ना पढ़े। अच्छा। यानी तरावी पढ़े और तरावी पढ़ने के बाद जो है वो फिर वितर भी अपने अलग से ही पढ़े। अच्छा, ये फ़र्ज़ जमात के साथ पढ़े थे लेकिन किसी और मस्जिद में पढ़े थे और तरावी अब कहीं और पढ़ रहा है, जैसे घरों के अंदर आकर तरावी पढ़ी जाती है और अब आखिर में वितर की जमात हुई तो अब उस जमात में शरीक अब शामिल हो सकता है? ठीक है, इमाम के बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि जमात के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी हो तो उसके ताबे होकर जो है वो वितर की नमाज़ पढ़ने में भी हर्ज नहीं।